अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ुबैर अहमद। अच्छा ज़ुबैर, मुझे ये बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? जी, आज के सेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। पहले तो हमें मतलब जिस तरह डीजी मास्टर का एम है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, बंदे को पहले इंडिविजुअली सोचना है अपने बारे में। पहले पर्पस डिफाइन होना चाहिए उसका, पर्पस के बाद फिर डायरेक्शन, फिर स्किल, फिर फ्रीलांसिंग से अमेजोन। तो ये पूरा रोड मैप हमें दिखा दिया गया जिस पे हम अमल करके अपने रोड मैप को डिफाइन करके मैंडेटरी गोल्स अपने अचीव कर सकते हैं। और इसके मैं एक और बात कहना चाहूँगा सबको कि हल्का फिक्री से मेरी ज़िंदगी में पर्सनली बहुत ज़्यादा चेंज आया है। इससे मुझे अपनी अहमियत के पता चले कि मैं कौन हूँ। मतलब हमें स्कूल कॉलेज में ये बात नहीं सिखाई जाती कि हम लोग कौन है, हमारा मकसद क्या आने का। बस हमें मतलब एक रोबोट और मशीन की तरह लगा दी जाता है किसी चीज़ के पीछे कि आप पैसा कमाएंगे, या एक डिफाइन गोल दे दिया जाता है उस पर करेंगे। अच्छा, वो गोल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आती कि आगे हम क्या करें। तो ये अपनी इंपॉर्टेंस का मुझे पता लगे, और इससे मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आएँ हल्का फिक्री पे आके अपने अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करें, चेंज लाएँ। अच्छा, इससे आने यहाँ आने से पहले जो एक्सपेक्टेशंस थी इस सेशन के बारे में, क्या वो पूरी हुई हैं आपकी? जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन तो मैंने कम लगाई हुई थी और उससे ज़्यादा मैं लेके जा रहा हूँ वापस। मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ मेरे को मिलेगा। और ये एक और बात कि मेरे घर के भी बहुत करीब मतलब ये हुआ सेशन वगैरह, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि आप, मैंने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी उससे मुझे डबल मिला है। मैं ये सोच के आया था कि मतलब यहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं होगी, आएंगे अपने कोर्स की डिटेल देंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर पहले इन्होंने मुझे अपने बताया कि हमारा आने का पर्पस क्या था, उसके बाद फिर अपने कोर्स की बात की, मास्टर क्लास का बताया, और सबसे अहम बात कि हमें जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का आजकल फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में मसला आ रहा है कि हम लोग कैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे। मतलब हम लोगों ने कहीं से भी ट्रेनिंग ले ली, ABC XYZ कंपनी से वीडियोस ले ली, उसके बाद फ्रीलांसिंग में हमने कदम रख दिया। वहाँ पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट करना है, और वहाँ पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट सही नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। हम वहाँ गोरे क्लाइंट से डील नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, हमें सिर्फ वीडियो दिखा दी जाती हैं और हम समझते हैं कि हम बस चीते बन गए A to Z सर्विसेज के, वो से लगा दी जाते हैं हमारे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।